कंगना रनौत की फिल्म मणिकर्णिका आज देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म रिलीज होने से पहले ही दर्शकों में कंगना रनौत की फिल्म काफी लाइमलाइट में आ चुकी थी। इस फिल्म को सबसे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देखा, जिसके बाद मुंबई में सेलेब्स प्रीमियर भी हुआ। कई बॉलीवुड सेलेब्स और डायरेक्टर्स ने फिल्म के बारे में अपनी अपनी राय रखी। फिलहाल मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी को पहले दिन बॉक्स ऑफिस से शानदार कलेक्शन की उम्मीद है। हालांकि कंगना रनौत फिल्म के साथ ठाकरे भी रिलीज हुई है, लेकिन लोगों में मणिकर्णिका को लेकर काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। एक अनुमान के अनुसार मणिकर्णिका पहले दिन करीब 10 से 14 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर सकती है। हालांकि गणतंत्र दिवस के मौके पर कंगना रनौत की फिल्म मणिकर्णिका को ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। इस फिल्म पर रिव्यू भी काफी मिले जुले रिएक्शन आ रहे हैं। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने इस फिल्म को 1 वर्ड रिव्यू रेटिंग में 3.5 स्टार्स दिए। जबकि एनडीटीवी हिंदी के रिव्यू के मुताबिक मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी में कंगना रनौत रानी लक्ष्मीबाई के किरदार में जमती हैं, लेकिन कई बार एक्सप्रेशंस ओवर हो जाते हैं और वहां मजा बिगड़ जाता है। फिर देशभक्ति का रंग कुछ ज्यादा मात्रा में दिखाने के चक्कर में भी एक्सप्रेशंस और एक्टिंग दोनों ही पटरी से उतर जाते हैं। मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी के डायलॉग प्रसून जोशी ने लिखे हैं। मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी का बजट लगभग 100 करोड़ रुपए बताया जाता है। डैनी डेंजोंगपा फिल्म में गुलाम गौस खान के किरदार में दिखाई दिए वह रानी की एक अनुभवी साहसी और समझदार सेनापति है, जबकि अंकिता लोखंडे झलकारी बाई का रोल किया है, वह एक निडर योद्धा होती हैं। मणिकर्णिका में कंगना ने एक ऐसा किरदार निभाया है जो प्रेरित करता है और महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है। फिल्म मणिकर्णिका झांसी के रानी लक्ष्मीबाई के जीवन और 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ उनकी लड़ाई पर आधारित है। राधा कृष्णा जगालामुद के निर्देशन में बनी यह फिल्म 25 जनवरी को रिलीज हुई। जैसे आप जानते हैं कि आम्रपाली जो है हमारे ऑफिशियल स्पॉन्सर्स हैं फिल्म के लिए, और ये टाई अप था नीता जी एंड नीता लूला एंड आम्रपाली के बीच में। सो आई एम जस्ट प्लेइंग अ मॉडल हियर टुडे, लेकिन आई थिंक इनका जो भी फिल्म का लुक है बहुत ज़्यादा बहुत हद तक आम्रपाली का इसमें सहयोग है, जो आज ये बन पाया है या जो दिख रहा है। और जिस तरह से इनकी ज्वेलरी है, इन्होंने बिल्कुल पीरियड अप्रोप्रिएट ज्वेलरी जो है हमको दी है, और नीता जी ने बहुत मेहनत की है एक्चुअली इसमें। आज उनको यहाँ होना चाहिए था, बट वो अपनी फिल्म की शूटिंग कर रही हैं। बट वी बीन वेरी ग्रेटफुल टू हैव एन एसोसिएशन विद आम्रपाली फॉर द फिल्म। कंगना, एक सवाल आपके घर में आज प्रोटेस्ट था करनी सेना का, उन्होंने कहा है कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है फिल्म रिलीज होने से, क्योंकि वैसे सीन नहीं है जैसे कि आप लोगों ने बताया है, लेकिन उनका कहना है कि जो आपने बयान दिया था कि डिस्ट्रॉय कर दूंगी करनी सेना को, उसके लिए आप माफी मांगे, वो चाह रहे कि आप माफी मांगे, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगी। माफी मैं कभी किसी चीज के लिए नहीं मांगती जिसमें कोई गलती है नहीं, लेकिन हमने उन्हें आश्वासन दिया है कि उसमें कुछ भी ऐसा गलत नहीं है और उन्हें हमारा सहयोग देना चाहिए और फिल्म को जो है वो करना चाहिए, बिकॉज वो हमारे भारत की बेटी है, तो सबको मिलकर उस फिल्म को जो है आगे बढ़ाना चाहिए। वो सिर्फ मेरी कोई रिश्तेदार नहीं है, वो पूरे देश की, वो मेरे लिए वही है जो हम सबके लिए है। सो मणिकर्णिका भारत की बेटी है, और करनी सेना को भी उनका सहयोग देना चाहिए, और ये फालतू का ईगो इशू मेरे साथ करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे किसी को सॉरी वॉरी कहने के लिए नहीं हूँ। No,